हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड द लाइफ स्टाइल इशू एंड आई एम वर्किंग एज ए प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट इन साउथ डली छतरपुर लास्ट एटीन ईयर्स एंड आई डेड अ थ्री प्रोजेक्ट एंड राइट ए टू बुक्स ऑन द कॉर्नरी आर्ट डिसीज़ तो मैं आज ये बात करूँगा कि क्या दिल का दौरा पड़ने से पहले हमें कुछ दिन पहले या uh, दौरा पढ़ने से पहले कोई साइन सिम्टम्स ऐसा दिखाई देता है आंसर इज़ कम्प्लीटली यस आपको दिल का दौरा पड़ने से चार हफ्ते पहले या एक हफ्ते पहले या दो हफ्ते पहले यानी कुछ समय पहले कुछ ना कुछ सिम्टम्स साइन ज़रूर दिखाई देते हैं लेकिन हम उनको नेगलेक्ट करते हैं हम उन साइन सिम्टम्स को सीरियसली कंसीडर नहीं करते ना ही तो कोई हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं और ना ही हम डॉक्टर के पास डिस्कस करने जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि लोगों को फिर स्ट्रोक uh, आ जाता है अटैक आ जाता है हार्ट अटैक आ जाता है और लोगों की प्री मेच्योर डेथ हो जाती है लेकिन क्या किसी भी इंसान को बगैर सिम्टम्स के बगैर संकेत के बगैर कुछ बदलाव के डायरेक्टली स्ट्रोक uh, आ जाता है कभी भी ऐसा नहीं होता है कुछ ना कुछ सिम्टम्स कुछ ना कुछ साइन ज़रूर मिलते हैं लेकिन हम उनको नेगलेक्ट करते हैं एक दूसरी बात यह है कि पहले देखा यह जाता था कि 45 के बाद दिल की बीमारियां रिपोर्ट होती थी लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्नाइज हुआ है दुनिया और हम वेस्टर्नाइज़ फूड ले रहे हैं मशीनी युग में हैं हम पैकड फूड खाते हैं हम जंक फूड खाते हैं उसके बाद स्ट्रेस का भी एक रोल है फिर नशे का भी एक रोल है इसमें एक्सरसाइज ना करना भी एक रीज़न है तो उससे क्या हुआ है कि अब यंग एज में भी दिल की बीमारियां हो सकती हैं यानी कॉर्नरी आर्ट डिसीज़ यानी आपके नलियों में जमावड़ा ये आपको यंग एज में भी हो सकता है किसी भी इंसान को 72 टूट एट्टी परसेंट ब्लॉकेज किसी भी एज में हो सकती है लेकिन जब ब्लॉकेज मोर देन 80 परसेंट बढ़ती है तो फिर आपको कुछ सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तो आज हम ये बात करेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि जिन्हें हम पहचान लें पहले से और दिल की बीमारी आने से पहले या स्ट्रोक के आने से पहले हम बचाव कर सकें तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं कुछ सिम्टम्स हैं जो बताऊँगा फिज़िकली यदि आप में इन सम सिम्टम्स को यदि पहचान लें तो आपको बच्चा जा बचाया जा सकता है और आपकी दिल की बीमारी से और अटैक आने से दिल का दौरा पड़ने से रोका जा सकता है सबसे पहली बात है कि यदि आपको इरेगुलर हार्ट बीट है यानी कि आपकी दिल की धड़कन असामान्य होती है इरेगुलर का मतलब है कि कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए कभी नॉर्मल हो जाए यदि आपके साथ ऐसा होता है तो ये एक सीरियस साइन uh, है सिम्टम्स है uh, दूसरे नंबर पे है पैल्पिटेशन यदि आपको अचानक घबराहट होती है और उस घबराहट में आपको वोमिटिंग की फीलिंग आती है वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप होती है आपको अजीब सा लगता है आपको रेस्टलेस लगता है तो फिर आप ये मान लीजिए कि ये एक इंडिकेशन uh, है कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ का थर्ड पॉइंट है कि शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ यानी कि जो आपकी ब्रीथ है यानी जो आप सांस लेते हैं सांस का टूटना और सांस का बीच में महसूस ना होना यानी गैप बढ़ जाना तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको कोई ना कोई दिल से संबंधित प्रॉब्लम यानी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम डेवलप हो रही है उसके बाद आता है ब्रीथ को टाइट मतलब ब्रीथ को खींचना ब्रीथ को टाइटनेस लगना ब्रीथ में और उसके साथ हार्डनेस आना टाइटनेस आना चेस्ट पे तो ये भी एक साइन सिम्टम्स होता है आपको कॉर्नर आर्ट का हेडेक होना यदि आपको इन सब सिम्टम्स के साथ हेडेक होता है यानी सरदर्द महसूस होता है और घबराहट बेचैनी के साथ ऐसा लगता है तो फिर आपको ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपको कॉर्नरी आर्टी डिसीज डेवलप हो रहा है नेक्स्ट चेस्ट में डिसकम्फर्ट एंड पेन कई बार आपने देखा है कि चेस्ट आपको टाइट लगती है कई बार दबी व खिंचाव लगता है कई बार भारीपन लगता है और हम उसे गैस मान लेते, है, लेते हैं यानी एसिडिटी मान लेते हैं वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ वाले पेशेंट के साथ जो चेस्ट के अंदर यदि डिस्कम्फर्ट है पेन है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एंजाइना की शुरुआत हो सकती है दिल की बीमारी की शुरुआत हो सकती है तो इसको आप सीरियसली लीजिए स्वेटिंग अचानक पसीना आना घबराहट होना उल्टी होना लेफ़्ट साइड में दर्द होना ये सब यदि कभी आपको महसूस होता है तो ये मान लीजिए कि आपको कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ की शुरुआत हो गई है और फिर अगला जो स्टेप है वो आपका दिल का दौरा हो सकता है एक्सरसाइज के दौरान डिफ़िकल्टी होना वॉक करने के दौरान डिफ़िकल्टी होना सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान डिफ़िकल्टी होना और जब पेशेंट लेटा होता है या पेशेंट बैठा होता है तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती लेकिन जैसे ही पेशेंट वॉकिंग करना स्टार्ट करता है एक्सरसाइज शुरू करता है सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है या कुछ हैवी वेट उठाता है तो उसको तकलीफ़ होती है तो इससे आप क्लियरली समझ लीजिए इट्स ए डायरेक्ट क्लियर इंडिकेशन कि आपको कॉर्नर आर्टी डिसीज एंजाइना या एंथ्रोस्लोरासिस यानी दिल की बीमारी की शुरुआत हो चुकी है और अगला जो नंबर है अगला जो स्टेप है अगला जो चेंज होगा वो हो सकता है आपका दिल का दौरा पड़े और आपके जीवन के लिए वो खतरा पैदा कर दे तो यदि इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो आप इसको पहचानिए और इमीडिएटली एक्शन लीजिए अपने डॉक्टर से मिलिए दूसरे लेवल पे कुछ रिस्की फैक्टर्स हैं जो कि क्लिनिकल रिस्की फैक्टर हैं ओवरवेट होना स्मोकिंग करना एल्कोहल लेना फैटी लिवर का होना स्ट्रेस के बने रहना नींद में डिस्टरबेंस आना कोलेस्ट्रॉल का बढ़े रहना बी का बढ़े रहना और आपका ब्लड शुगर का बढ़े रहना यदि ये सारी चीज़ें हैं तो आपका रिस्क डबल हो जाएगा टू हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तो यू जस्ट इमीडिएटली आप अपनी बॉडी को समझिए अपने सिम्टम्स को और डॉक्टर से कंसल्ट करिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर और सॉल्व